अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं जी। अल्लाह के फजलो करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। देखे, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पसीनो पसीनी होया पाया हूँ। आज है 23 जून। 22 जून से 21, 22, 23 बड़ी गर्मी पड़ रही है। मौसमियात ने कहा है, महकमा मौसमियात ने कहा है कि मौसम अच्छा होने वाला है। देखे कब अच्छा होता है। हमारे आने वाले हैं मेहमान, मैं उनके लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ बीफ लेने के लिए और कुछ और चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक भी लानी है क्योंकि यहाँ से हमारे टाउन से तो कोई चीज़ मिलनी नहीं है। तो चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे इस तरह निकाब करके जाना पड़ रहा है। दो दिन हो गए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी ने खीर कर दी पैसली है। हम घर में कूलर, एक ऊपर वाला पंखा लगा होता है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं आता। अच्छा जी, अभी मैं मेगा स्टोर पे पहुंच चुका हूँ। गर्मी की वजह से ये जो मेरे हैशेज है ना, ये वाले जल रहे हैं। इतनी ज़्यादा लो पड़ रही है, इस लो की वजह से ये सारा जलना शुरू हो गया। अच्छा जी, मैं मार्केट से वापस आ चुका हूँ। तो देखे मेरा क्या हाल हो गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 3-4 दिन हो गए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं अपने गार्डन को पानी लगा रहा है। मुशा पानी लगा रहे हो? और आयश फातिमा हसबे ममूल नाराज़ होकर बैठी हुई है, और उसने आज जो नई चीज़ की है वो जुंडी पहनी हुई है। आयश ने जुंडी पहनी है, आयश ने जुंडी पहनी है, वो पाड़ी जुंडी। अब गुस्से में है तो देख नहीं रही इधर। और साथ वली अहमद है, ये वली अहमद भी गर्मी के से निढाल हुआ हुआ है, और उसका बाबा मान लो कि हो रही है तैयारी। ये प्रेशर कुकर में रखा हुआ है हमने मीट, ये भी बन जाएगा। और साथ हमने बनानी है पिंडी थोड़ी, और पिंडी थोड़ी ये देखें काट चुकी हैं। खा लिया आपने? खाना खा लिया तो खाओ फिर, खा क्यों नहीं रही? आयश खा लिया आपने? आयश का कर रही हूँ, कहाँ कर रहे हैं जी। मूसा में हर रोज तंग करता रहता है कि मैंने आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो हम इसका जुगाड़ लगाने के लिए ना घर पे बनाने का सोचा है। ये देखिए, ये बिस्किट हैं ओवरियो, तो इनसे ना आइसक्रीम बन जाती है बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ पे जो है आइसक्रीम वाला आता नहीं है, गेट के बाहर होता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो अभी ये देखें, हमने मूसा के लिए बना के रख दी हुई है, ये 2-3 घंटे के बाद बन जाएगी। हमारे पास वो स्पून, वो जो बीच में लगाने वाली होती हैं जिनके साथ आइसक्रीम पकड़ी जाती है, वो नहीं थी, तो हमने चमचों के साथ ना रख दिया। तो अभी फ़िलहाल लिक्विड ही है, फिर 2-3 घंटे बाद इंशाल्लाह बन जाएगी। अच्छा, जो हमने आइसक्रीम बनाने के लिए रखी थी फ्रिज के अंदर, वो बन चुकी है। अब हम देंगे बच्चों को, बच्चे बड़े बेताब हो रहे हैं। ओहे मेरी, पकड़ लो, एक पकड़ो, एक पकड़ो ना, एक चमचा, एक स्पून पकड़ो, चलो पकड़ो आप भी स्पून पकड़ लो, चलो चमचे के साथ खाओ। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है आइसक्रीम का? मजा आ रहा है? ओए आयशा, आपको मजा आ रहा है? हाँ टह 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 टह, बाबा को ना देनी है,
आयश फातिमा बाबा है मेरे को चुंझ बनी है खा खा के ना आइसक्रीम जब बागड़ बिल्ली बनी होंगी है मुझे तो फेस करो वो बागड़ बिल्ला अंडर है हमारा गैस वाला वो हो चुका है ख़त्म तो अभी हम जा रहे हैं भराने मैं और मूसा गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन भराना तो पड़ेगा ही ना चलो चलो ये अंदर रख ये इधर रख देते हैं इधर आके ले लेना ठीक है इधर रख देते हैं इधर आके ले लेना ये मूसा की चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं वो कह रहे हैं अंदर रख दे मैं बाद में रख देंगे अच्छा जी अभी हम पहुंच चुके हैं गैस पर दुकान पे यहाँ पे हम गैस पर भराएंगे फिर उसके बाद ये देखिए जी रवायती तरीके के साथ गैस भरी जा रही है कमाल हो कि हम घर आ चुके हैं लाओ मूसा 2000 चाबी लाख लगाएं बाइक हम बाहर ही खड़ी कर देने गए हैं ताकि हमने जाना थोड़ी देर बाद फिर बकरे देखने जाना है आज अच्छा जी आज हम आपको एक नई ट्रिक दिखाएंगे अगर रात की रोटियां बच जाएं तो उनको किस तरह यूज़ किया जा सकता है ये देखिए रात की रोटियां बची हुई हैं ये वाली तो इसको अभी क्या किया जाएगा इसको पानी लगाया जाएगा अच्छा जी अब ये देखें इस रोटी को लगाया जा रहा है पानी तो इतनी की वधिया और फर्स्ट क्लास बनती है दिल करता है कि पाँच पाँच रोटियाँ खाई जाए अब हम इसको डालेंगे तवे के ऊपर उसके बाद थोड़ा सा लगाया जाएगा आयल अब इसको थोड़ा सा करेंगे हम मूव करेंगे थोड़ा सा ताकि अच्छी तरीके से लग जाए इस तरह बने ना जैसे ये पराठा नहीं होता उस तरह बन जाता है ये अक्सर जब हम यूरोप में हुआ करते ना उस वक्त ये यूज़ किया करते थे क्या यूरोप